आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और 250 रुपए तक का कैशबैक हम कैसे पा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबीक्विक ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस देखिए मोबीक्विक के होम पेज में ही काफी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स रिलेटेड हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस। सिंपली हमें यहाँ पर मोबीक्विक बैलेंस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। मोबीक्विक बैलेंस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मैन वॉलेट बैलेंस शो हो रहा है मोबीक्विक का, जो कि इस टाइम 100 रुपए पड़ा हुआ है और नीचे की साइड आप देख सकते हो जिप बैलेंस हमारा शो हो रहा है। तो गाइस देखिए अगर आपको मोबीक्विक की तरफ से मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई होगी तो आपका जिप का बैलेंस नीचे की साइड शो होने लगेगा, जिस तरीके से मेरा शो हो रहा है। मुझे मोबीक्विक की तरफ से 37,500 रुपए की लिमिट मिली हुई है, तो इतनी लिमिट हमारे मोबीक्विक के वॉलेट में शो हो रही है। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने मोबीक्विक जिप के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ ही साथ 250 रुपए तक का हम कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो गाइस देखिए अगर आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मोबीक्विक जिप बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसके लिए हमें यहाँ से कट ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मोबीक्विक का होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे रेंट का, तो यहाँ पर आप देखेंगे पे रेंट का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए अगर हमने पहले कभी पे रेंट ऑप्शन के थ्रू क्रेडिट कार्ड के पैसे को या फिर जिप के बैलेंस को अगर हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा तो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाती है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को एंटर करना चाहें तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। अब गाइस देखिए हम अपने मोबीक्विक जिप के बैलेंस को जिस भी बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का नंबर और IFSC कोड, ये दोनों चीजें हमें एंटर कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने बैंक अकाउंट के नंबर को और IFSC कोड को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर लैंडलॉर्ड नेम, तो गाइस यहाँ पर लैंडलॉर्ड नेम में आप अपना नाम भी एंटर कर सकते हैं, तो चलिए मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर रेंट अमाउंट। अब गाइस देखिए हम अपने मोबीक्विक जिप से अपने बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो गाइस देखिए अगर मैं यहाँ पर 4,000 रुपए का अमाउंट एंटर करूंगा और अप्लाई कूपन पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें कोई भी कूपन कोड देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कम से कम 5,000 रुपए सेंड करने होंगे। तो 5,000 रुपए का अमाउंट मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। 5,000 रुपए का अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है अप्लाई कूपन, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर दो प्रोमो कोड देखने को मिल जाएंगे, पहला है रेंट फर्स्ट और दूसरा है सेव 250। तो दोनों प्रोमो कोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए मोबीक्विक ऐप से अगर हम पहली बार रेंट पेमेंट करते हैं तो 75 रुपए का इसमें हमें फ्लैट कैशबैक मिल जाता है और दूसरा प्रोमो कोड है सेव 250, तो इसमें हमें 250 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है रेंट पेमेंट करने पर। तो गाइस देखिए अगर मैं यहाँ पर रेंट फर्स्ट प्रोमो कोड को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोमो कोड नए यूजर के लिए है, मैं इसका ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका हूँ। तो गाइस इसलिए मैं ये सेव 250 प्रोमो कोड को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आपने रेंट फर्स्ट प्रोमो कोड को अभी तक अप्लाई नहीं करा तो आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके 75 रुपए का फ्लैट कैशबैक आप ले सकते हैं। तो चलिए 250 रुपए तक का इसमें हमें कैशबैक मिल जाएगा, तो अप्लाई ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। सेव 250 प्रोमो कोड हमारा अप्लाई हो चुका है और जो कैशबैक है ये हमारे वॉलेट में ही आ जाएगा। 5,000 रुपए का हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लिया है। अब सिंपली हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, तो हम यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है मोबीक्विक जिप पे लेटर, तो अगर हमें मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई होगी तो वो हमें देखने को मिल जाएगी, और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं मोबीक्विक जिप पे लेटर और क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है वो सेम है। 5,000 रुपए पर यहाँ पर 118 रुपए का चार्ज लग रहा है, चाहे अगर हम जिप से करें या फिर क्रेडिट कार्ड से करें। तो गाइस देखिए 5,000 रुपए जिप से बैंक में ट्रांसफर करने पर 118 रुपए की कन्वीनियंस फीस लग रही है, इतना चार्ज लग रहा है, लेकिन हमें 250 रुपए तक का कैशबैक भी मिल जाएगा, तो इस वजह से ये 0% हमारा चार्ज हो सकता है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि हमें कितना कैशबैक यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। मैं जिप के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ से पे कर देना है। पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5,118 रुपए हमारे जिप से कट जाएंगे और 5,000 रुपए का बैलेंस डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी डिटेल को हमने फिल करा होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 5,118 रुपए यूज हो चुके हैं।
अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर अंडर प्रोसेस ये हो चुकी है। अगर हमारी ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन अगर हमारी ट्रांजैक्शन तुरंत सक्सेसफुल हो जाती है तो तुरंत ही हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है जो कि हम जिप से अपने बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो 24 घंटे का हमें वेट कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 24 घंटे के अंदर हमारा ये जो पैसा है ये हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। 5,000 रुपए क्रेडिट आप देख सकते हो। तो यूनियन बैंक की तरफ से हमें मोबाइल नंबर पर इस तरीके जैसे हमें SMS मिल चुका है। जरूरी नहीं 24 घंटे में ही है, 24 घंटे से पहले भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो गाइस देखिए रात के 9:25 पर हमने जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था। और गाइस देखिए अगले दिन दोपहर के 12 बजे हमारा जिप का बैलेंस बैंक में आ चुका है, जिसका हमें मैसेज भी यहाँ पर मिल चुका है। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है कांग्रेट्स कैशबैक वर्थ 10 रुपीज। तो हमें यहाँ पर 10 रुपए का कैशबैक मिला है। इसमें हमें 250 रुपए तक का कैशबैक मिलना था, तो मोबीक्विक ऐप ने 10 रुपए का ही हमें कैशबैक दिया है जो कि हमारे मोबीक्विक के वॉलेट में ही आ जाएगा। तो गाइस देखिए आप भी सेम प्रोमो कोड को अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको कितना कैशबैक मिलता है जिप बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने पर। अब गाइस यहां पर जो हमारा जिप बैलेंस है वो अब 32,382 रुपए बचा है। 37,500 रुपए की हमारी टोटल लिमिट थी। तो अगर हम यहां पर मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका जो डैशबोर्ड है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। 5,118 रुपए हमने यूज करे हैं, जिसमें से 5,000 हमने अपने बैंक में ट्रांसफर करे हैं। अगर हम यहां पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो यूज्ड अमाउंट है वो शो हो रहा है और जिसकी ड्यू डेट यहां पर 5 सितंबर 2023 है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं मोबीक्विक जिप पे लेटर में पहले क्या होता था, अगर हम उसकी लिमिट को यूज करते थे तो हमें 15 दिन का ही टाइम मिलता था। महीने की 5 तारीख को और 20 तारीख को हमें पेमेंट करनी होती थी, लेकिन अब हमें मोबीक्विक जिप में 30 दिन तक का टाइम मिल रहा है। हम 1 महीने के अंदर जिप का ड्यू बैलेंस पे कर सकते हैं। ये 5 सितंबर मुझे इसकी ड्यू डेट मिली है, आज 2 अगस्त है, इसका मतलब मेरे पास पूरा अभी 1 महीना है। तो अगले महीने सितंबर की 5 तारीख को मुझे ये पे करना होगा। तो गाइस देखिए अगर हम ड्यू डेट तक अपने बिल को पे कर देते हैं तो कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा चार्ज या फिर लेट फीस पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है। और गाइस देखिए अगर हम ड्यू डेट क्रॉस कर देते हैं, ड्यू डेट तक अगर हम इसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हम पर पेनल्टी चार्ज प्लस लेट फीस लग जाती है और इंटरेस्ट भी लग जाता है। 1200-1500 रुपए ये मोबीक्विक ऐप लेट फीस लगाता है, पेनल्टी मारता है। तो गाइस मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा, आप जब भी मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट को यूज करें या किसी भी अदर बैलेंस को अगर आप यूज करें तो उसकी जो पेमेंट है वो आप टाइम पर कर दिया करें। इससे आप लेट चार्ज पेनल्टी से भी बच जाएंगे और क्रेडिट स्कोर भी आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कहीं से लिमिट या लोन क्रेडिट कार्ड मिलने काफी ज्यादा चांस कम हो जाते हैं। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके 250 रुपए तक का आप कैशबैक पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।